32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड में विगत दिनों कई वर्षों से नाग मंदिर स्थित है, जो अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गया था, जिसे देखते हुए आम जनमानस के जन सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है और इस परिसर में अन्य देवी देवता भी विराजमान होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत करते हुए सांसद विजय बघेल ने पूरे विधि विधान से इस नवीन कार्य का भूमि पूजन किया। श्री नागदेव नव निर्माण एवं विकास समिति द्वारा 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड स्थित जर्जर स्थिति में पहुंच चुके श्री नागदेव मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया गया है, जिसके तहत शुक्रवार को जिले के सांसद विजय बघेल के आतिथ्य में पूरे विधि विधान से इस मंदिर परिसर में कार्य का भूमि पूजन किया गया। श्री नागदेव मंदिर परिसर के अंदर स्थित नागदेव मंदिर के संधारण के कार्य के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर की स्थापना भी की जाएगी। इस कार्य में लगभग 2 वर्ष का समय लग सकता है। 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड में निवास करने वाले निवासियों के जन सहयोग से श्री नागदेव मंदिर का सौंदर्यीकरण संभव हो पाया है। शुक्रवार को जिले के सांसद विजय बघेल के कर कमलों से क्षेत्रवासियों ने मंदिर परिसर में इस नवीन कार्य का भूमि पूजन करवाया। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद विजय बघेल, पूर्व पार्षद पीयूष मिश्रा एवं वर्तमान पार्षद सहित अन्य अतिथियों ने हर संभव मदद करने का आश्वासन क्षेत्रवासियों को दिया है। इस मौके पर क्षेत्र की महिलाओं ने श्री नागदेव मंदिर परिसर में स्थित माता के मंदिर में भजन कीर्तन भी प्रस्तुत किया और कार्य की सफलता की प्रार्थना की। जिले के सांसद विजय बघेल ने पूरे विधि विधान से श्री नागदेव मंदिर 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड परिसर में भूमि पूजन के कार्य को संपन्न किया और जल्द ही कार्य प्रारंभ करने को कहा। साथ ही मंदिर निर्माण में तन मन धन से सहयोग करने की बातें भी कही हैं। तो वहीं श्री नागदेव मंदिर नव निर्माण एवं विकास समिति के अध्यक्ष जगजीत सिंह संधू ने मंदिर निर्माण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह मंदिर कई वर्षों से अपने जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा था, जिसे क्षेत्रवासियों ने अपने सहयोग से करने का फैसला लिया और उसी के मुताबिक भूमि पूजन संपन्न हुआ है। ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ के भाइयों का, बहनों का ये भावनाएं थी कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर बने जिसमें हम लोग श्रद्धा के फूल को चढ़ा सके, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज, दुर्गा माँ के मंदिर का निर्माण पूजन हमने अभी तक किया है और अभी धार्मिक भावना निश्चित रूप से खासकर हमारी बहनों जो उनके ही कारण आज धर्म से बचा के रखना वे ही हैं जो भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। बदलाव के साथ हम लोग हमारी बहनों को सम्मान देते हैं और नारी सशक्तिकरण का भाव इसलिए आया है कि हमारी बहनें भक्ति से ही शक्ति अर्जित करती हैं और नारी का सम्मान उसमें बढ़ता है, नारी की शक्ति बढ़ती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि इस उनकी भावनाओं को सम्मान करें और आज बागड़ में दुर्गा जी, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज की मूर्ति उसके शुरुआत हो गई है स्थिति में और आगे मंदिर बनेगा। ये को आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम जगजीत सिंह है, ये 32 एकड़ नाग मंदिर से हूँ मैं। आज सांसद महोदय आए हैं मंदिर में, पूजा भूमि पूजन की है उन्होंने और दुर्गा मंदिर शंकर भगवान जी का 3 मंदिर का 20 साल करीब हो गए बदलने वाले जी। आज शंकर जी हैं, पूरी विद फैमिली, हनुमान जी, दुर्गा माता। ये पुराना मंदिर था, यहाँ पे रख रखाव बिल्कुल नहीं था, तो हमारी कॉलोनी वालों ने सबने सहयोग किया और सब कमेटी बना के एक तो अब कॉलोनी वालों के सहयोग से मंदिर बनाया जा रहा है। इस 32 एकड़ में एक भी मंदिर नहीं था, इसलिए कॉलोनी वाले के सहयोग से कॉलोनी में सुख शांति रहे, देश में प्रदेश में सुख शांति रहे। देर से ही सही 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों ने मंदिर की सुध लेते हुए इसे नया रूप देने के लिए एकजुटता दिखाई है और यकीनन इनकी यह एकजुटता इस मंदिर को नया स्वरूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।